गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज क्लास 10 एनसीईआर की बुक से प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर थ्री दिया, यदि टैन ए बराबर 1 प्लस बी, टैन ए इंटू 1 प्लस बी बराबर रूट 3 और टैन इंटू ए माइनस बी बराबर 1 बाई रूट 3, तो कहता है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा होना चाहिए और b छोटा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या है, इस सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, अगर सही तरीका से समझेंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर रूट थ्री, तो हम प्रश्न में दिया ही हुआ है तो लिखते हैं, चूंकि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर रूट थ्री दिया हुआ प्रश्न में, तो इसी को हम सॉल्व करते आगे बढ़ाते हैं। tan a प्लस बी को वैसे ही लिख देते हैं, अब यहां पर देखना है कि tan का कितना डिग्री का मान रूट थ्री आता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान रूट थ्री होता है। अब यहां पर फिर आगे स्टेप पे बढ़ते हैं, तो tan इधर भी है, tan इधर भी है, तो बराबर के इधर और उधर कोई एक ढंग का काम आप आसान तरीके से कर सकते हैं, जो कि समीकरण का नियम है। तो ठीक है, tan tan हट गया तो बचा क्या, इसीलिए लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये आपका समीकरण एक हो गया। अब देखिए एक कंडीशन से तो हम ले आए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और फिर दूसरा कंडीशन प्रश्न में ही दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट 3, तो फिर हम लिखते हैं पुनः, चूंकि tan a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट 3, जैसे ऊपर वाला तो किए हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। देखिए tan a माइनस बी को वैसे ही लिखे, और यहां पर देखना है कि tan का मान कितना डिग्री में 1 बाई रूट 3 आता है, तो ये मान आपका आता है tan 30 डिग्री। फिर देखिए tan tan हट जाएगा तो आएगा क्या कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये आया जो कि समीकरण 2 मान लेते हैं। यहां पे देख लीजिए एक बार, अब क्या करना है कि समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से ठीक है ऊपर में लिख देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। समीकरण एक कितना है, देखिए समीकरण एक है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण एक है, और समीकरण दो क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, ये समीकरण दो है। एक लाइन खींच लेते हैं, अब देखते हैं इस समीकरण दोनों समीकरण को, जब कोई समीकरण अपने आप कटता हुआ होता है तो जोड़ने पर लिखते हैं। क्या करते हैं, जब कोई समीकरण अपने आप कटता हुआ होता है कोई एक भाग, तो हम लिखते हैं जोड़ने पर, जब नहीं कटता हुआ होता है तो घटाने पर लिखते हैं। लेकिन देखते हैं कि इसमें ये कट रहा है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो कट रहा तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। देखिए ये तो कटा, ए ए को जोड़ेंगे तो हो गया 2a बराबर, इसको जोड़ दीजिए 60 में 30 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, यानी कि 45 डिग्री हुआ। अब क्या करेंगे, a का मान निकल गया यहां से,
ए का मान निकला, अब लिखेंगे अब समीकरण एक में, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण एक क्या है, ए प्लस बी बराबर दिया 60 डिग्री। अब मान बैठा दीजिए, ए का मान निकाले 45 डिग्री और जो बी का मान तो निकालना ही निकालना है, बराबर 60 डिग्री है, इसीलिए बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री बराबर किधर में, प्लस बराबर किधर में, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 45 डिग्री, दोनों को घटा के कितना आ गया 15 डिग्री, 50 डिग्री आ गया, यानी ए बराबर निकला 45 डिग्री, ए बराबर कितना निकला, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर निकला 15 डिग्री, ये दोनों आंसर हुआ। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।